उनसे पूछो कि ये आवाज जो है लाउड स्पीकर में, ये नई पैदा होती है या पैदा हुई आवाज बढ़ती? आप क्या कहते हैं? लाउड स्पीकर, आवाज को बढ़ाने वाला। तो ये तो आवाज का बढ़ाने वाला है, पैदा करने वाला नहीं। तो इसका नाम आवाज का बढ़ाना, बदलना नहीं। तो हमको अपने औरमा से कहने के लिए कभी देखिए, जब ये बात आ गई तो अब मसला इसमें रहा कि आवाज मुतकल्लिम की आवाज है कि नहीं है। तो जो लोग मुतकल्लिम की आवाज मानते हैं उन्हें तो कोई दुश्वारी नहीं, मगर जो नहीं मानते, मुतकल्लिम की आवाज नहीं मानते, उनको दुश्वारी। अब मसला इसमें रहा कि आप उसको मुतकल्लिम की आवाज मानते हैं कि नहीं मानते। तो अब ये रहा, ये मानना ना मानना ये मुफ्ती का काम नहीं, ये फकीर का काम है, ये उनका। हम उनसे यही कहें, मुफ्तियों से, इतना तो आप मानते हैं अगर मुतकल्लिम की आवाज है तो हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी, इतना तो आप मानते हैं। अब है या नहीं है ये हम फकीहों से नहीं पूछेंगे, साइंसदानों से पूछेंगे कि आवाज है कि नहीं। तो इसका मतलब हमने मुफ्ती के फतवे का इनकार नहीं किया, किसी भी मुफ्ती के फतवे का इनकार नहीं किया, किसी भी मुफ्ती के फतवे का इनकार नहीं किया। आपका कहना है कि अगर इमाम की आवाज है तो हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। तो ये जितने पढ़ने वाले हैं ये सब इमाम की आवाज ही उसको मानते हैं, तो इनकी तो हो जाएगी। आपके पक्ष से हो जाएगी, आपका सुपा ये ना, इमाम की आवाज हो तो हो जाएगी, तो हो जाएगी। और इन सब बातों के अलावा आप हालात को देखें और ये देखें, इस पूरी दुनिया में ये चीज ऐसे आम हो चुकी है कि हर महीने कई बैन में जाएंगे, बैतुल मुकद्दस जाइए, ये चीज आम हो गई। और सारे उलमा, सारे मुशाई, वहां के सारे फुकहा इस पर अमल करने लगे। एक इब्तिदाई आम है जिससे बचा नहीं जा सकता। तो सब सारे मुसलमानों को फासिक और फाजिर कहने से ज्यादा बेहतर यही है कि हम उनकी नमाज को सही मान लें। इल्जाम ना आने तो खैर मसले के अंदर पहलू दोनों, आप किसी की भी पैरवी करना चाहें कर सकते।